तो दोस्तों आइए एक्सेल में आज हम लोग 2022 में कौन कौन सा नया टिप्स एंड ट्रिक्स आया है उसके बारे में जानते हैं। तो आप अगर हमारे वीडियो को पहला बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को करते हुए हम शुरू, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहला ट्रिक्स में हम लोग सीखेंगे एक्सेल वर्कशीट पे डायनामिक बॉर्डर लगाने के लिए। डायनामिक बॉर्डर एक क्या होता है? डायनामिक बॉर्डर होता है कि जहां जहां हम लिखें वहां वहां ऑटोमेटिकली लाइन बॉर्डर हमारा आते चला जाए। देखिए अभी हम टाइप करके लिख रहे हैं तो हमारा बॉर्डर यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जहां जहां पर भी हम टाइप करके लिखें वहां वहां ऑटोमेटिकली हमारा जो है बॉर्डर, लाइन बॉर्डर लगते चला जाए। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए उस एरिया को जहां से जहां तक आप ऐसा करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना है आपको न्यू रूल्स पे। न्यू रूल्स पे क्लिक करने पर एक बॉक्स खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे लिखा रहेगा यूज ए फॉर्मूला। इस यूज ए फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और कर्सर यहाँ पे रखना है। इस जगह पे कर्सर रखना था, इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर दिखाई पड़े अच्छा से। तो यहाँ कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है पहला वाला सेल पे। पहला वाला सेल पे क्लिक करने के बाद इसमें जो डॉलर का साइन आपका जो है इसको हटा दीजिए, इधर से भी और यहां से भी, ठीक है, आगे से भी और इधर से भी हटा देना है। और उसके बाद आपको लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल देना है और इन्वर्टेड कोमा यानी कि डबल कोट आपको दो बार डालना है। ये डाल देने के बाद आपको यहां पर फॉर्मेट पर क्लिक करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है बॉर्डर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर आपको चूज कर लेना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपका काम हो गया। अब देखिए हम जहां पर भी टाइप करके लिखेंगे कुछ भी, चलिए हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली वहां बॉर्डर लग जाएगा। चलिए यहाँ पर जेंडर लिखते हैं, मेल। देखिए जगह बॉर्डर लग गया। इस जगह पे देखिए क्वालिफिकेशन लिखते हैं, यानी कि जिस जगह पे हम टाइप करके लिखेंगे उस जगह पे ऑटोमेटिकली हमारा जो है बॉर्डर लग जाएगा, जिस जगह पे आप टाइप करके लिखिए। तो ये था हमारा पहला ट्रिक्स जिसमें हम लोगों ने सीखा डायनामिक बॉर्डर लगाना। चलिए अब हम लोग सीखते हैं दूसरे ट्रिक्स के बारे में। तो दूसरे ट्रिक्स में आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉलम है जिस कॉलम में हमने कुछ नंबर वैल्यू और कुछ टेक्स्ट वैल्यू मिक्स करके हम यहाँ पे टाइप करके लिखा हुआ है। ये आपका अधिक लंबा भी हो सकता है। अब हम चाहते हैं इसमें से कि जहां जहां हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हाइड हो जाए और सिर्फ नंबर वैल्यू ही यहाँ पे दिखा है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ वन की को प्रेस कीजिए, तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे रहना है और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। सेमीकोलन लगाने के बाद आपको देना है माइनस का सिंबल। माइनस का सिंबल देने के बाद फिर से आपको लिखना है जनरल टाइप करके। जनरल लिखने के बाद अब आपको फिर से यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। सेमीकोलन लगाने के बाद फिर से आपको लिखना है जनरल। तो इस तरह से आपको तीन बार जनरल लिखना है और बीच वाला जो जनरल था उसमें आपको माइनस का माइनस लगाना है। देखिए इस तरह से जूम करके आपको हम दिखा देते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिखने के बाद अब आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पर मैजिक हो गया, आपका सारा टेक्स्ट जो है यहाँ से हाइड हो गया। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट यहाँ से मिट गया। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखिए आपका टेक्स्ट है। देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कि आपका टेक्स्ट है, सिर्फ आपको विजिबल नहीं है ये, यानी कि छुपा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा, टेक्स्ट आपका यहीं पर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में 2022 में कुछ लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।